सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कभी हम बिना कुछ गलत किए हुए भी बुरे बन जाते हैं क्योंकि हम वैसा नहीं करते जैसा लोग चाहते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। एक बार ठान लो तो दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देगी। आज का पंचांग 13 जून 2022 दिन सोमवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 9:03 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र रात्रि 9:24 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:25 से 9:05 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:00 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 13 जून 2022 दिन सोमवार, आज अभर किसी पर विश्वास करने के मूड में रहेंगी। इसका नुकसान यह है कि आप किसी ऐसे आदमी के साथ भी अपनी बातें साझी कर सकती हैं जो दिल से आपका भला नहीं चाहता, इसलिए पहले इस आदमियों के बारे में सही से छानबीन कर लें। अगर आप पिछले कुछ समय से कार्यस्थल या घर पर किसी की बातों से असहमत है तो आज दोस्तों का हाथ बढ़ाने के लिए अच्छा समय है। ग्रह नक्षत्र के संयोग से जानकारी मिल रही है कि इस राशि वालों का आज का दिन व्यापारिक कार्यों से संबंधित कुछ फेरबदल और अच्छी बिक्री को दर्शाने वाला रहेगा। काम धंधे के समय व्यापारिक कार्यों में कुछ मामूली फेरबदल कर सकते हैं जो व्यापार संबंधित बिक्री को प्रभावित करेंगे। मीडिया संबंधित कार्यों में तेजी आ सकती है। धातु व लोहे से जुड़े जातकों को अच्छा आर्थिक लाभ होगा और काम के नए अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशे वर्ग के जातक आज ऑफिस के राजनीति से दूर रहें और काम में ईमानदारी बनाए रखें। पति पत्नी के मध्य आपसी संबंधों में परेशानी आ सकती है और कुछ समय के लिए बोलचाल भी प्रभावित हो सकती है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता और पारिवारिक उत्तरदायित्व पूर्ण होंगी। आज के दिन आपके लिए अच्छा भी रहेगा। वैवाहिक जीवन में यदि कोई रुकावटें आ रही थी तो वह समाप्त हो सकती है, परंतु आपको कोशिश करनी होगी। मित्रों का आपको आर्थिक सहयोग मिलेगा। कारोबार में आपको मन मुताबिक लाभ मिल सकता है। सावधानियां, आपको अपने खान पान की ओर विशेष ध्यान देना होगा व अत्यधिक तले भुने भोजन से परहेज रखें, नहीं तो कोई पेट संबंधी समस्या हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। राजनीति की दिशा में जो लोग प्रयास कर रहे हैं उन्हें कुछ लाभदायक मौका कम ही मिलेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। आज नए संबंध बनाने का दिन है, आपको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। आज नए संबंध, नए दोस्ती या नई पार्टनरशिप की शुरुआत हो सकती है। आज आप बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे जहाँ आपको अपने संभावित दोस्त या पार्टनर मिल सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नए दोस्त बनाने के बाद अपनी पुरानी करीबी दोस्तों की उपेक्षा ना करें। बात करते हैं करियर की। आप संसाधनों से पूर्ण हैं और आज आप अगर गंभीरता से काम करते हैं तो धन कमाने का ऐसा अवसर आपको मिल सकता है जिसमें आपको खुशी महसूस होती है। इस बात की भी संभावना है कि आप कला की अभिरुचि को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ सकती हैं। आपको विवेक से कार्य करना है, परंतु अपने दिल की सुनने की वजह से आपके धन और वित्त पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बात करते हैं सेहत की। आप कुछ तनाव में लग रहे हैं। फिटनेस के लिए बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल जैसे तैराकी या योग का अभ्यास करें। अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और मांसपेशियों को पुष्ट करने के लिए ऐसा नियमित रूप से करें। बहुत ठंडा मौसम हो तो ना करें, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिम में जाकर ट्रेनर के अनुसार हल्के फुल्के एक्सरसाइज करें।
आज का उपाय, गरीबों को दान पुण्य करें, आज शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।